सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज मैं आपको वर्ण की परिभाषा पढ़ाती हूँ। वर्ण क्या होते हैं, आपने शुरू से ही पढ़े हैं वर्ण, तो मैं आपको बताती हूँ वर्ण की परिभाषा। ध्यान से देखिएगा, देखिए वर्ण की परिभाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। क्या होता है वर्ण? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाता है। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं ना, वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। ध्वनियों या वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। जितने भी शब्द बनते हैं वो ध्वनियों और वर्णों को मिलाकर ही बनते हैं। हमारे हिंदी में 44 वर्ण हैं, यानी कि 44 वर्ण हैं हमारे हिंदी में। जैसे कि कौन कौन से वर्ण हैं? ए, आ, ई, ये सारे वर्ण हैं। और के, खे, गे, घे, सारे वर्ण हैं। आपने शुरू से पढ़ा भी है तो वर्ण क्या होते हैं आपको समझ में आया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।